सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल एचएस भारद्वाज में। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति और नौकरी में प्रमोशन के लिए सोमवार व्रत कथा बता रहा हूँ कि सोमवार का व्रत करने से किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से हम प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत की क्या विधि है वह सभी संपूर्ण में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आप सिर्फ सब्सक्राइबर करेंगे और घंटी को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, इसलिए घंटी का बटन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सोमवार व्रत के करने से हमारी कई मनोकामना पूरी होती है। 16 सोमवार व्रत करने से हम जो भी मनोकामना बोलते हैं, जिस इच्छा के लिए हम बुक करते हैं, वह भगवान शिव जी हमारी जरूर पूरी करते हैं। तो आप जो है पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए या वर प्राप्ति के लिए, जैसे भी चाहो, जिस मनोकामना से चाहो, आप 16 सोमवार के व्रत जरूर करें। इसके करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, सोमवार का व्रत करें पूरे लगन से और श्रद्धा भाव से। इसमें पूजा की विधि क्या है, 16 सोमवार और सादा सोमवार, पूजा बिल्कुल सेम एक जैसी होती है। बस प्रभाव ये फर्क ये होता है कि जब हम उद्यापन करते हैं तो 16 सोमवार में प्रत्येक सामान 16 होता है, हर द्रव्य जो है कि जो काउंट होती है, मात्रा होती है, वो 16 होती है। और सादा सोमवार में हम सादा सामान से भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के लिए आपको जब स्टार्टिंग करनी है मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आपको सबसे पहले संकल्प करना है कि आप किस कार्य के लिए व्रत रख रहे हैं। मानो पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप व्रत रखते हैं, तो पहले सोमवार से जब आप व्रत शुरू करोगे, तब आप जो है ये संकल्प जरूर कराएं कि हम इस कार्य के लिए व्रत को कर रहे हैं, या ब्राह्मण के द्वारा कराएं या खुद ही आत्मजल लेकर के भगवान शिव जी के सामने अपनी मनोकामना बोल दें कि प्रभु मैं इस कार्य के लिए ये व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी करें जो है स्त्री पुरुष में से, तो वो आप जो है संकल्प करें कि मैं इस कार्य के लिए व्रत कर रही हूं, तो ये मेरा पूरा हो जाए, मैं पूरे सच्चे मन से लगन से इस व्रत को जो है निभाऊंगी। तो इस प्रकार से जो है आप मनोकामना अपनी बोलोगे, पूरे लगन से आप व्रत करोगे, तो आपकी नौकरी में प्रमोशन अवश्य होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति होगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। इसमें पहले दिन से लेकर के 16 दिन तक, 16 सोमवार तक आप जो द्रव्य से पूजा करोगे, उसमें मेन जो है रोली, मोली, चावल, फल, फूलमाला और थोड़ा सा प्रसाद और थोड़ा सा कच्चा दूध, इस सादा सामान से आप जो है प्रत्येक सोमवार को व्रत करें। लास्ट के दिन आप 16 सोमवार का जो उद्यापन करोगे, उसके लिए क्या सामान चाहिए, उसका वीडियो आपको मेरे आइकन में मिल जाएगा, और 16 सोमवार व्रत कथा का वीडियो भी आपको मेरे आइकन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये मुझे जानकारी देनी थी 16 सोमवार व्रतों की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो डालता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करते हैं। दूसरी, मैं आगे से जो है अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, अभी मैं कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे पा रहा हूं, आप कॉन्टेक्ट नंबर दो, जैसे आप मेरे जो है संपर्क भी कर सकते हो, कुछ पूछना चाहो तो कमेंट में लिख करके आप पूछ भी सकते हो। जय श्री कृष्ण।